नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं जोशाचार चंद्रशेखर शर्मा। दिवाली का त्यौहार है और इसके लिए जानना बेहद जरूरी है आखिर दिवाली का पूजन कैसे किया जाए, दिवाली पूजन शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, पूजन विधि क्या है। ज्योतिषियों के अनुसार दीपावली के 300 मुहूर्त होते हैं जिनमें पूजा अर्चना किया जाना चाहिए। दीपावली के दिन विशेषकर गणेश जी और लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है, साथ ही कुबेर की भी आराधना की जाती है। अयोध्या में इस बार दीपावली को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके पीछे का कारण है कि करीब 500 साल बाद पहली बार श्री राम जन्मभूमि परिसर में दीपावली मनाई जाएगी। अयोध्या में बड़े बड़े साधक हैं जो अमावस्या के लगते ही अपनी साधना को आरंभ कर देते हैं। इस बार दीपावली 14 नवंबर को शनिवार के दिन पड़ रही है जो बड़े ही शुभ मुहूर्त है। दीपावली के 3 शुभ मुहूर्त होते हैं जिनमें पूजा अर्चना किया जाना चाहिए और दीपावली के दिन विशेषकर गणेश जी और लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए, साथ ही इनके साथ कुबेर की आराधना भी करनी चाहिए। इसके अलावा सरस्वती जी हनुमान जी की भी आराधना की जाती है। दीपावली की पूजा के लिए 3 मुख्य लग्न कौन कौन से हैं, इनका क्या समय है, यह हम आपको अभी नीचे बता रहे हैं। मीन लग्न, दीपावली के दिन पूजा के लिए पहला शुभ मुहूर्त दोपहर 2:06 से 3:33 तक है। यह लग्न विशेषकर व्यापारी वर्ग के लिए होता है। इस लग्न में व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों में गणेश लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं और उनकी मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। दूसरा लग्न है दीप प्रज्वलन लग्न। दीप प्रज्वलन लग्न को प्रदोष लग्न कहते हैं। दीपावली के दिन शाम 5:35 से 7:25 तक यह शुभ मुहूर्त है। यह स्थिर लग्न होता है। इसमें आप अपने घर में गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं और उनकी मूर्ति की भी स्थापना कर सकते हैं। तीसरा लग्न है रात्रि पूजा लग्न। रात्रि पूजा लग्न साधकों के लिए होता है जिसमें आप मंत्र सिद्धि करते हैं, जाप करते हैं। इस लग्न में पूजा अर्चना की विशेष महत्ता होती है। दिवाली के दिन रात्रि 11:43 से 1:59 तक शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त दीपावली 14 नवंबर 2020 का चौघड़िया लग्न। दीपावली के दिन इन तीनों मुहूर्त के बीच एक शुभ मुहूर्त जिसे चौघड़िया शुभ मुहूर्त कहते हैं, वह शाम 8:56 से रात्रि 10:35 तक रहेगा। इसमें आप पूजा पाठ कर सकते हैं, मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। व्यापारिक प्रतिष्ठान, शोरूम, दुकान, गद्दी की पूजा, कुर्सी की पूजा, गल्ले की पूजा, तुला पूजा, मशीन, कंप्यूटर, कलम, दवात आदि की पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से आरंभ हो जाएगा। इसी के मध्य क्रमशः चर, लाभ, अमृत की चौघड़ियाँ भी विद्यमान रहेंगी जो सायं 4:05 तक रहेंगी। गृहस्थों के लिए श्री महालक्ष्मी के पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त और प्रदोष काल सायं 5:24 से रात्रि 8:06 तक प्रदोष काल मान्य रहेगा। इसके मध्य रात्रि 7:24 से सभी कार्यों में सफलता और शुभ परिणाम दिलाने वाली स्थिर लग्न वृषभ का भी उदय हो रहा है। प्रदोष काल से लेकर रात्रि 7:05 तक लाभ की चौघड़ियाँ भी विद्यमान रहेंगी। यह भी माँ श्री महालक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के लिए श्रेष्ठ मुहूर्तों में से एक है। इसी समय परम शुभ नक्षत्र स्वाति भी विद्यमान है जो 8:07 तक शुभ रहेगा। सभी गृहस्थों के लिए इसी समय के मध्य में माँ महालक्ष्मी जी की पूजा आराधना करना श्रेष्ठतम रहेगा। आइए अब इस बात पर चर्चा करते हैं कि माँ महालक्ष्मी को कैसे खुश करें। माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए सबसे पहले इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम गम गणपतये नमः, ओम श्रीम श्रियै नमः। श्रीम श्रियै, ओम श्रीम श्रियै नमः मंत्र से माँ को अक्षत, कुमकुम, लाल पुष्प, कमल गट्टा चढ़ाएं। उसके बाद में ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्म्यै नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम। इस मंत्र का रात्रि जाप करें। इसी के साथ इस संपुट मंत्र के साथ में अगर श्री सूक्त का पाठ भी आप लोग कर सकते हैं। दीपावली में माँ लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश जी की आराधना की जाती है, उनकी मूर्ति स्थापना की जाती है। इसका सरल उपाय है, माँ लक्ष्मी को गुड़ और धान का लावा बहुत पसंद है,
इसी से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही गाय के घी और कमल के दाने से भी लक्ष्मी जी के लिए हवन किया जाता है। माँ लक्ष्मी को कमल बहुत प्रिय है। दीपावली वाले दिन उनको कमल अर्पित किया जाना चाहिए और साथ ही अनार का फल भी अर्पित किया जाना चाहिए। इससे धन का लाभ होता है। दर्शकों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगली बार फिर होंगे हाजिर एक और कड़ी के साथ। नमस्कार।